हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। इस कार में बैठे हुए आपने मुझे बहुत बार देखा होगा, लेकिन ड्राइविंग सीट पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पैसेंजर सीट पे। क्यों? क्योंकि मुझे ड्राइव करना नहीं आता। लेकिन जितनी बार कार में हम कहीं जाते हैं, उतनी बार ही मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि हमारी कार को डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। घर की क्लीनिंग और बाकी हाउस वर्क्स के लिए तो मेरे पास हमेशा प्लानिंग रेडी होती है, लेकिन कार क्लीनिंग काफ़ी टाइम से निगलेक्ट हो रही थी। जो वर्कर्स क्लीनिंग के लिए आते हैं वो बस आउटर पार्ट वॉश करते हैं, इंटीरियर क्लीनिंग पे कुछ ज़्यादा फोकस उनका होता नहीं। वैसे तो आप सर्विस स्टेशन पे भी कार की अच्छे से क्लीनिंग करवा सकते हैं, बट अगर मेरी तरह आप कभी घर पे भी करना चाहें तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं क्लीनिंग। सबसे पहले हम मैट्स को रिमूव करके वॉश करेंगे, ताकि जब तक बाकी का काम ख़त्म हो मैट्स ड्राई हो जाएँ। सिंपली वाटर एंड सोप की हेल्प से ही डस्ट आराम से निकल जाती है। इसके लिए हमने कोई भी और क्लीनर यूज़ नहीं किया है। और अब बनाएंगे एक DIY क्लीनर इंटरनल पार्ट को क्लीन करने के लिए, जिसके लिए आपको एक स्प्रे बॉटल चाहिए। उसमें 1 part वाटर एंड 1 part विनेगर ऐड करेंगे, और साथ ही 1 spoon फुल डिश वॉश सोप। शेक वेल एंड परफेक्ट क्लीनर फॉर कार क्लीनिंग इज़ रेडी। इंटीरियर क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी चीज़ें इसमें पड़ी हैं उन्हें स्टोरेज बिन में डालती जाऊंगी। चार्जर, पेपर्स, ज़्यादातर आपको यहाँ पे पेपर्स ही मिलेंगे, क्योंकि हस्बैंड का सारा बिजनेस ही पेपर वर्क है। ये है मेरे कुछ माउथ फ्रेशनर्स और लिप बाम। ये दोनों चीज़ें आपको मेरे घर में कहीं पर भी मिल जाएंगी, क्योंकि ये मेरे एसेंशियल्स हैं। सेटिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कुलदीप जी को जो चीज़ें जहाँ पड़ी होती हैं वहीं मिलनी चाहिए। ही डजेंट लाइक सो मच चेंजेस, जैसे कि ऐश ट्रे का यूज़ वो कॉइन्स रखने के लिए करते हैं, क्योंकि वो स्मोक नहीं करते हैं। बाकी मेरे ख्याल से कार का कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जहां पे आपको पेपर्स नहीं मिलेंगे। इवन की कार डोर में भी आपको पेपर मिलेंगे, आज इनकी डिक्लटरिंग होगी। मैट्स को तो रिमूव कर दिया था, उसके बाद रिमूव करेंगे डस्ट को बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर से आप छोटे से छोटे पार्टिकल को भी रिमूव कर सकते हैं, एंड यस, ये टाइम सेविंग भी है। वो सारी जगह जहां आपको लगे कि डस्टर काम नहीं कर सकता, उसे क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कोई पुराना मेकअप ब्रश। इससे ईजिली सारी डस्टिंग की जा सकती है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स आर बेस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ क्लीनिंग। जो क्लीनर हमने बनाया था उसका स्प्रे करते हुए मैं कार के हर पार्ट को क्लीन करती गई, एंड ट्रस्ट मी गाइस, पुराने से पुराने स्टेन को भी मैं इजीली रिमूव कर पा रही थी। स्मॉल एरिया से जिद्दी स्टेन को निकालने के लिए ओल्ड टूथब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हमारी तरह आप भी काफ़ी टाइम से कार की इंटीरियर क्लीनिंग को निगलेक्ट करते आ रहे हैं, तो अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त निकाल के कोई एक दिन प्लान कर लें। क्लीनिंग के दौरान आप देखेंगे कि डर्ट, डस्ट, फिंगरप्रिंट्स को रिमूव करते हुए आप कितना सेटिस्फाइड फील करेंगे। हमें काफ़ी वक्त लगा इसकी क्लीनिंग में, बट कभी ना कभी तो ये वक्त निकालना ही था। ओल्ड टूथब्रश हिडन एरियाज को क्लीन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। जिस तरह एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हाउस में काम करना इजी लगता है, उसी तरह से कार भी अगर क्लीन और ऑर्गेनाइज हो तो उसमें ट्रेवल करना गुड फील देता है। इसके बाद डेफिनेटली अपने प्लानर में कार की डीप क्लीनिंग के लिए भी मैं एक डे फिक्स करूँगी।
लेदर सीट्स की क्लीनिंग मैं वाटर और डिशवॉश सोप से कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज, क्योंकि बिना जाने मैं इन पे किसी केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहती थी। टूथब्रश काम करेगा नैरो स्पेसिस को क्लीन करने के लिए। इस तरह से डर्ट और स्टेन्स पूरी तरह से रिमूव हो गए थे एंड माई हस्बैंड वॉज रियली हैप्पी टू सी ऑल दिस। उसके बाद वाइप विद क्लीन वाटर एंड ऑल क्लियर। सेंटर पोर्शन जहाँ पे हैंड ब्रेक गियरिंग पार्ट सबको क्लीनर से क्लीन किया, लेकिन काफ़ी स्टिकी स्टेन्स को रिमूव करने के लिए मैंने स्पॉन्ज और सोप की ही हेल्प ली। जब आप किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं तो मेक श्योर ईच एंड एवरी पार्ट को अच्छे से क्लीन कर दिया जाए। इसीलिए डीप क्लीनिंग का डिसीजन तभी लें जब आपके पास सफिशेंट टाइम हो, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज कहीं ना कहीं हमें फोर्स करती है कुछ एरियाज़ को छोड़ देने के लिए। आज मैंने अपने घर की कुछ क्लीनिंग को स्किप किया और डिसाइड किया एक क्वालिटी टाइम कार क्लीनिंग को देने के लिए। हेडलाइट्स शाइन करें उसके लिए यूज़ कर सकते हैं टूथपेस्ट, जो भी आप यूज़ करते हों तो उन्हें हेडलाइट्स पे अप्लाई कर दें और 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दें। देन क्लीन विद वेट क्लोथ एंड यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। वाइपर्स को क्लीन करने के लिए भी मैं सेम क्लीनर का ही यूज़ कर रही हूँ। वाइपर्स के साथ चिपकी हुई डस्ट की वजह से हमारी विंडशील्ड पे स्टेन्स बन जाते हैं, सो ड्यूरिंग क्लीनिंग डोंट फॉरगेट दिस पार्ट। क्लीनिंग के बाद डैशबोर्ड की शाइनिंग के लिए आप वैसलिन का यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पे केमिकल का यूज़ करना ही पड़ता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ घर पे पड़ी चीज़ों का ही यूज़ करें। इसे अप्लाई करने के बाद डैशबोर्ड को एक न्यू लुक मिल गई। इसी तरह से लेदर सीट्स की शाइनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। थोड़े से ऑलिव ऑयल से ही सीट्स शाइन करने लगेंगी, बट मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से रब करें ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने अपना काम कर दिया है, अब मिस्टर करेंगे आउटर पार्ट की क्लीनिंग। इसके लिए भी हम सोप और वाटर का ही यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब फटाफट सेटिंग देख लेते हैं। ड्राइविंग डोर पे हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र और कुछ वेट वाइप्स रखे हैं मैंने। बहुत सारी चीज़ें कार में भर देना कुलदीप जी को पसंद नहीं, सो सिर्फ यूज़ेबल चीज़ें ही रखी हैं। अपर डैशबोर्ड में फर्स्ट एड किट के अलावा एक पाउच रख दिया है ताकि मैस ना हो, और उसमें मैंने रखा है कार चार्जर, फेवी स्टिक, माउथ फ्रेशनर्स एंड लिप बाम। एंड लोअर डैशबोर्ड में कार के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स और साथ ही एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड पेपर्स को एक फाइल में रखा है। डोर साइड में रखा है अम्ब्रेला कभी ज़रूरत पड़े तो। चेंज वो हमेशा एशट्रे में ही रखते हैं तो उसकी सेटिंग मैंने चेंज नहीं की है। यहाँ DIY एयर फ्रेशनर का यूज़ कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। उसके लिए आपको एक खाली कंटेनर चाहिए जिसकी लिड एल्युमिनियम की हो तो बहुत अच्छा, कोई और भी हो तो चलेगा, जिसमें आपको छोटे छोटे होल्स करने हैं।
उसके बाद इस कंटेनर में फिल करेंगे हम 4 से 5 चम्मच बेकिंग सोडा। देन यू नीड एसेंशियल ऑयल, मेरे पास लेवेंडर ऑयल है, जैस्मिन ऑयल है, अभी मैं जैस्मिन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी होती है। बेकिंग सोडा बैड स्मेल को अब्जॉर्ब करेगा और एसेंशियल ऑयल करेगा एयर को फ्रेश। एशट्रे की नीचे की स्पेस को वो यूज़ करते हैं कीज रखने के लिए, तो उसकी सेटिंग वहीं रखी है। सेंटर पार्ट में एक कटर जिसकी ज़रूरत उन्हें अक्सर पड़ती है, कुछ पेंस रखे हैं यहाँ। पैसेंजर सीट की बैक साइड पे बनी पॉकेट में कुछ गार्बेज बैग रखे हैं। अगर आप भी हमारी तरह ट्रैश कैन कार में नहीं रखना चाहते तो ये आइडिया यूज़फुल रहेगा। कप होल्डर में हमने वाटर बॉटल और टी फ्लास्क रखी है जो वो ऑफिस लेके जाते हैं। सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। ड्राइविंग सीट की बैक पॉकेट पे कुछ मैगजीन्स और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स। बैक सीट पे एक कुशन रखती हूँ, लॉन्ग ट्रेवल में काफ़ी काम आता है। और यहाँ रखा रहता है एक टिश्यू पेपर बॉक्स। कार के डिक्की को खाली रखना ही प्रेफर करते हैं ताकि लगेज वगैरह आराम से रखे जा सकें, तो एक इमरजेंसी साइन के अलावा एक छोटा सा बैग रखती हूँ जिसमें इमरजेंसी के लिए 2 क्लॉथ बैग्स, ओल्ड न्यूज़पेपर और एक हैंड टॉवल, दैट्स ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।